सर आप मार्केट टाइम नहीं कर सकते, सर मार्केट में आपको इन्वेस्ट होके 20 साल तक अपना पैसा भूल जाना चाहिए, सर आपको अपने मार्केट में कभी भी कॉल्स नहीं लेनी चाहिए एंट्री या एग्जिट की, ऐसा आपसे कई लोग बोलते होंगे। मैंने मेरे एक इंटरव्यू जो ब्लूमबर्ग क्विंट में हुआ था जिसकी क्लिपिंग ये रही। So basically, I never believe anyone can, I should, I always say one thing, never let anyone tell you that you cannot time the market. If something is overvalued, we have to understand that and we have to take calls. इस वीडियो में आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने एक चीज, एक लाइन बोली है, never let anyone tell you that you cannot time the market. मुझसे कई चैनल ने पूछा इसका मतलब और इस डिटेल में एक्सप्लेनेशन। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है CA CFP CFA अनंत लड्डा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये लाइन कि आपको कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, आपको मार्केट में ज्यादा कॉल्स नहीं लेने चाहिए, ये बोलता कौन था और ये इनिशिएट किसने करी है? ये कंसेप्ट था आज से 40 से 50 साल पहले जब यूएस में बड़े बड़े फंड हाउस हुआ करते थे, उनके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से। जब वो इतना बड़ा कॉर्पस लेके मार्केट में सेल करने या बाय करने आते थे तो इम्पैक्ट कॉस्ट मतलब कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और उनकी बाइंग और सेलिंग की वजह से मार्केट में अप मार्केट के अप और डाउन, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है एक्स वाई जी, उसमें किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ एक साथ परचेस किया तो अपने आप उसकी प्राइस चले गई और म्यूचुअल फंड हाउस को महंगा मिला, और सेल करने गए तो अपने आप उसकी प्राइस गिर गई। इसे कहते हैं इंपैक्ट कॉस्ट। इस कॉस्ट की वजह से म्यूचुअल फंड हाउस ने यूएस में ये कंसेप्ट निकाला था कि आप मार्केट टाइम मत कीजिए, आप स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि उनके लिए ये टाइमिंग करना बहुत मुश्किल था और उनको ये इंपैक्ट कॉस्ट बहुत महंगी पड़ रही थी। इंडिया में भी सेम चीज़ आई, फंड हाउस ने ये कंसेप्ट दिया और आज सब एडवाइजर ये बोलते हैं, क्योंकि एडवाइजर जो फंड हाउस बोलता है वो हम यूजुअली लोग वो आगे पास ऑन कर देते हैं। बट इस कंसेप्ट को समझिए, आपका पोर्टफोलियो है 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, क्या हम हमारे 1-2 करोड़ के साथ भी या 10-15 लाख के साथ टाइम नहीं कर सकते मार्केट? मेरे हिसाब से बिल्कुल आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अगर आप टाइम मार्केट नहीं कर रहे तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपका एडवाइज़र बोलता है कि आप टाइम मार्केट नहीं कर सकते तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपका एडवाइज़र या आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या आपका सब ब्रोकर मेहनत नहीं करना चाहता, या दूसरा कारण सिंपल सा ये हो सकता है कि उसको नॉलेज नहीं है। दोनों ही कारण में आप लूजिंग एंड पे होंगे। सो अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ मार्केट को टाइम करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सही टेक्निक है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने मेरे सभी इन्वेस्टर्स को और सभी जो भी लोग मुझसे फेसबुक पे कनेक्टेड है एक चीज़ जनवरी फरवरी में बोली थी कि मार्केट आज बहुत ओवरवैल्यूड है, स्मॉल कैप मिड कैप से एकदम एग्जिट खोज जाइए और वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रेरियन फंड्स ले सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट ये रहा। साथ ही अगर आप चाहते हैं तो ऐसे कॉल्स मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं, वहां पे आपको ये कॉल्स मिल जाएंगे। मैंने ये कॉल दिया था, अब आप समझिए जनवरी से लेके आज तक स्मॉल कैप मिड कैप टूट चुके हैं 30% तक, और जो वैल्यू फंड्स लेते वो प्लस है 5%, 4%, मतलब ओवरऑल डिफरेंस आ गया मोटा मोटी 30-35-40% का सिर्फ एक कॉल की वजह से। सर आपको कॉल्स लेना होगा, मैं हमेशा कॉल लेता हूं और हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा यही सलाह देता हूं आप सभी को कि आप भी कॉल्स लीजिए, बट साथ ही ध्यान रखिए कि हम जब कॉल्स ले रहे हैं हम प्रॉपर नॉलेज के साथ ले रहे हैं। हम अगर ड्राइव भी करते हैं विदाउट नॉलेज तो बहुत रिस्की होता है। आप भी एक अपना अच्छा एडवाइजर ढूंढिए या खुद स्टडी करिए। और सर तो आप जिस दिन आप खुद उस अपनी स्टडी और नॉलेज से कंफर्टेबल हो जाए फिर आप इन्वेस्ट करिए खुद और कॉल्स लेना स्टार्ट कीजिए। नेवर लेट एनीवन टेल यू दैट यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो और कंसेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। ये करेंगे तभी हम कनेक्टेड रहेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्ते, और साथ ही आप मुझसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जीमेल से जुड़ सकते हैं, उसके लिंक्स दिए हुए हैं नीचे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।